पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला ले लिया, लेकिन इस फैसले के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ महामारी बढ़ रही है तो वहीं सत्ता में सहयोगी दल लॉकडाउन के फैसले से नाराज हैं, जबकि महामारी को रोकने में नाकाम रहने और लॉकडाउन में देरी पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। देखिए रिपोर्ट। बढ़ती महामारी के आंकड़ों के साथ ही बिहार सरकार संक्रमण को रोकने में नाकाम रही। यही वजह है कि पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि आखिर बिहार में कब लॉकडाउन लगाया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की थी, लेकिन सरकार के भीतर से ही लॉकडाउन के खिलाफ आवाज उठ रही थी। राज्य में सत्ता में भागीदार हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे थे, जिसके कारण से नीतीश सरकार लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई। लेकिन अब बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा, कल सहयोगी मंत्रिमंडल और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके विस्तृत मार्गदर्शिका और अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान के साथ ही सरकार के भीतर से ही विरोध होने लगा है। सरकार की सहयोगी पार्टी हम ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेता और प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन का फैसला निसंदेह हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद किया है, लेकिन हमें लगता है कि इस फैसले के बाद कहीं न कहीं से राज्य का गरीब तबका निराश होगा। गरीब महामारी से बच भी गए तो भूख से नहीं बच पाएंगे। न्यायालय ने टिप्पणी जरूर की है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उनका जो रोजाना कमाते खाते हैं। ऐसे में हमारा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के बारे में आपको सोचना ही होगा। उनको हर मामले में छूट मिलनी ही चाहिए। वहीं लॉकडाउन के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष 15 दिन से लॉकडाउन की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। तेजस्वी ने कहा कि अब जब गांव-गांव में महामारी फैल गई है, तब सरकार ये कदम उठा रही है। एलजेपी ने कहा कि बिहार में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और प्रदेश सरकार को फटकार मिलने के बाद लॉकडाउन लगाया गया है। अगर लॉकडाउन कुछ दिन पूर्व लगाया गया होता तो कई जाने जाने से बच गई होती। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर कहा कि इसे पहले ही कर लेना चाहिए था। टीवी लाइव की रिपोर्ट।